नमस्कार, मैं हूं रेनू भाटिया। न्यूज हब भारत में आपका स्वागत है। देश और दुनिया की सबसे बड़ी खबरों के लिए न्यूज हब भारत। उत्तर प्रदेश में ह्यूमन ट्रैफिकिंग और बाल अपराध को खत्म करने के लिए आज चित्रकूट धाम परिक्षेत्र बांदा के आईजी के सत्यनारायण ने बच्चों के साथ हो रहे अपराध और ह्यूमन ट्रैफिकिंग को खत्म करने के लिए बांदा पुलिस लाइन में एक कार्यशाला का आयोजन किया है। इस दौरान बांदा, महोबा, हमीरपुर, चित्रकूट जनपद के पुलिस अधिकारियों के साथ डॉक्टर राम मनोहर लोहिया लॉ कॉलेज की यूनिट भी मौजूद रही। के सत्यनारायण ने बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से ह्यूमन ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए एक यूनिट पूरे प्रदेश भर में बनाई गई है, जिसके तहत बांदा जनपद में भी आज कार्यशाला का आयोजन किया गया है। ये रूपरेखा बनाई जा रही है जिन बच्चों को तस्कर किसी कारण बस अगवा कर लेते हैं या बाल श्रम बच्चों से कराया जाता है या बच्चों के अंगों को बेचा जाता है, उसको रोका जा सके, बाल अपराधों पर लगाम लगाई जा सके, इसके लिए आज कार्यशाला का आयोजन किया गया। हम लोग इनसे सीखने का है तो हम सभी लोग इससे सीखे। जो आज का जो कार्यक्रम से एक दिन का ये कार्यशाला से हम लोग घर पर कुछ लेके चले हैं, मतलब हम सब लोग ये जानने के लिए उत्सुक होंगे। आप सभी लोग कैप रिलैक्स बैठिए, कैप उतार के बैठ भी सकते हो। तो आप सभी लोगों से मेरा ये कहने का मतलब ये है, आप डिस्कशन हो रहा है और पॉक्सो एक्ट के संबंध में आपको बताया जाएगा। इसके अलावा चाइल्ड मैरिज एक्ट के संबंध में आपको जानकारी दी जाएगी कि इस प्रकार कोई शिकायत जब थाने पर आती है तो आपको उसमें क्या कार्रवाई करनी है। बाकी चाइल्ड वेलफेयर कमेटी है, कल मेरी बात हुई थी परीक्षित जिससे, वो बता रहे थे कि कई थानों में चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के सामने जो बिल्कुल प्रोसीजरल जो तरीका है उसको पालन नहीं किया जा रहा है, तो उसके बारे में आपको बताया जा रहा है। चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के सामने किस तरीके से आपको प्रस्तुत करना है, क्या क्या उसमें डॉक्यूमेंटेशन और बाकी कार्रवाई होनी है। इसके बाद आपको बाल विकास विभाग की तरफ से है, इसमें जो भी बाल कल्याण अधिकारी पुलिस अधिकारी का दायित्व इसमें स्पष्ट रूप से लिखे गए हैं, सभी इसका किताब का वितरण आपको किया जाएगा और ये इसमें बहुत ही डिटेल्ड इसमें दिया हुआ है सेक्शन वाइज क्लॉज वाइज क्या क्या आपको कार्रवाई होनी है। तो मुझे उम्मीद है कि जब सेशन शाम को खत्म होगा उसके बाद हम जब मैं मीटिंग करूंगा अगले हफ्ते और इसके एडिशनल एसपी साहब इसकी मीटिंग करते ही हैं, लेकिन एक बार हम मंथली मीटिंग हम भी करेंगे इसमें। तो आज जो आपको जो ज्ञान दिया जा रहा है, जो लेक्चर दिए जा रहे हैं, इसे आप खुद से पढ़ाई करेंगे और इसको समझेंगे और इसको थानों पर जो भी कार्रवाई होगी उसको इम्प्लीमेंट कराएंगे ताकि हम जब मीटिंग लें तो उसका फिर पूरा सार्थक परिणाम आ सके। नेक्स्ट मीटिंग से हम आपको भी क्राइम मीटिंग जब होगी तो इन सभी के संबंध में बाल जो कल्याण पुलिस अधिकारी इनको बुलाया जाएगा और यूनिसेफ की तरफ से रिसोर्स पर्सन है वो भी उसमें मौजूद रहेंगे और जो भी कार्रवाई आप इसमें कर रहे हैं उसकी हम समीक्षा करेंगे प्रत्येक माह। तो मेरा अनुरोध है कि सभी जो पुलिस अधिकारी यहाँ पर आए हुए हैं बहुत ही इसको ध्यान से सुने और इसका फिर अनुसरण करें। थैंक यू। बाल सुरक्षा एवं बाल न्याय से संबंधित एक दिन की कार्यशाला आयोजित किया गया है। इस कार्यशाला में पूरा परिक्षेत्र के सभी थानों से बाल कल्याण अधिकारियों को बुलाया गया और ये जो बाल अपराध से संबंधित कुछ विवेचकों को बुलाया गया और जो महिला अधिकारियों को बुला के यहाँ ये कार्यशाला आयोजित किया गया है। ये यूनिसेफ का जो राम मनोहर लोहिया यूनिवर्सिटी का जो ला ब्रांच है उससे जुड़े हुए यूनिसेफ से कुछ अधिकारी आए हैं और डॉक्टर अनिल जी आए हैं और परीक्षित जी आए हैं और कई टीमें हैं इनके द्वारा जो काफ़ी इस पर काम किया गया है और इनका अनुभव का और इन्होंने जो प्रेजेंटेशन अभी सभी दरोगाओं को एक प्रशिक्षण के रूप में इसको शुरू कर रहे हैं, पहले इनको एक टेस्ट कंडक्ट कर रहे हैं। तो अभी तक इनका जो है ये बाल कल्याण या वो जो बाल न्याय से संबंधित जैसा पॉक्सो एक्ट है या फिर चाइल्ड मैरिज एक्ट है इसके संबंध में इन कानूनों के संबंध में इनके अब तक क्या इनका ज्ञान है उसके संबंध में अभी एक परीक्षा लिया गया और इसके बाद एक दिन का कार्यशाला के उपरांत फिर इन्होंने क्या सीखा है उसके आधार पर भी एक परीक्षा लिया जाएगा। बांदा से अयाज जमा की रिपोर्ट, न्यूज हब भारत। देश और दुनिया की सबसे बड़ी खबरें सिर्फ न्यूज हब भारत पर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं।